हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। तो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 69 में और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ना है, जिसमें हमें आज प्रोडक्ट मेथड के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखना है। यानी हमको देखना है कि नेशनल इनकम को हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं आप सारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि नेशनल इनकम हम प्रोडक्ट मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बेसिकली जो प्रोडक्ट मेथड था, जिसको हमने वीडियो नंबर 68 के पार्ट वन में डिस्कस किया था, पार्ट टू में हमने प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को डिस्कस किया था। तो वीडियो नंबर 68 के पार्ट वन में, जिसमें हमने बेसिकली प्रोडक्ट मेथड पे बात किया था कि प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, तो उसके आज प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ हमको बढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये समझना है कि प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड जो था, उसका हम उसको हम नेशनल इनकम की कंपटीशन में उसका कैसे मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट मैंने ड्रॉ किया है। ये चार्ट, इस तरीके का चार्ट मैं प्रोडक्ट मेथड में भी बनाने वाला हूँ, इनकम मेथड में भी बनाने वाला हूँ और एक्सपेंडिचर मेथड में भी बनाने वाला हूँ। तो मैं अपनी सारी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अब देखिए यहाँ पे ये है क्या कि आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी सेक्टर वन, सेक्टर टू, सेक्टर थ्री, यानी बेसिकली एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर और तीसरा सेक्टर, तीनों की जब वैल्यू को हम, वैल्यू एडेड को हम ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ पे पहुँचते हैं? तो हम पहुँचते हैं बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कहने का मतलब होता है कि जब मैं आगे अभी क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करूँगा, तो जहाँ पे जो भी बेसिकली वैल्यू एडिशन होता है, वो वैल्यू एडिशन यानी सारे सेक्टर्स को वैल्यू ऐड करने के बाद मैं कहाँ पे आऊँगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे आऊँगा। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के आने के बाद, उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करता हूँ? उसके बाद मैं बेसिकली डोमेस्टिक इनकम की तरफ मूव करता हूँ, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करता हूँ। डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रीवियस में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था कि जीडीपी, एमपी को, एनडीपी, एफसी पे हम कैसे आएंगे। वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। अब एक बार अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे अगर आ गए, यानी डोमेस्टिक इनकम पे आ गए, तो वहाँ से नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। वहाँ पे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा चार्ट है जिसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आने वाला जो हम कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स को टेकअप करने वाले हैं वन बाय वन, वो कहीं ना कहीं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि पूरी तरीके से ये इस चार्ट पे ही बेस होगा। और इसको अगर आपने समझ लिया, इसको ध्यान में रखा, तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेसिकली जो प्रोडक्ट मेथड से हमको डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, और सेकंड क्या कह रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी सबसे पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, यानी बेसिकली प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि फर्म ए और फर्म बी कितना वैल्यू एड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेल्स बाय फर्म ए 100, फिर कह रहा है परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए 40, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी 60, उसके बाद सेल्स बाय फर्म बी 200, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी एंड आईटी पेड बाय बोथ द फर्म। अब देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू एडेड निकालना चाह रहे हैं और ये सारी फिगर्स हमारे सामने दी हुई है, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम किसी भी फर्म की वैल्यू निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि उस फर्म ने बेसिकली कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, और उस रेवेन्यू या फिर उस इनकम या फिर उस पैसे को कमाने में उसके खर्च कितने आए हैं, उसका एक्सपेंडिचर्स कितने आए हैं। तो इनकम या फिर जो हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, वो कहाँ से हमको मिलता है? वो बेसिकली हमको सेल से मिलता है, यानी जब हम अपना सामान बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, तो उस सामान को बेचने से पहले उस सामान को बनाना पड़ता है, और उस सामान को बनाने के लिए हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम परचेज कह सकते हैं। तो एक तरफ तो हम अपनी इनकम या फिर रेवेन्यू या फिर हम पैसा बनाते हैं जब हम सेल करते हैं, और सिमिलरली दूसरी तरफ हमारी पॉकेट से पैसा जाता है जब हम परचेज करते हैं।
और यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक तो दिया ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम वैल्यू एडेड की बात कर रहे हैं, तो हम अगर स्टार्ट करें कि ए का क्या है, तो वैल्यू एडेड बाई ए, अगर ए की हम वैल्यू एडिशन पे बात करें कि बेसिकली वैल्यू ए कितना ऐड कर रहा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बात कह रहा है, सेल्स बाई फर्म ए। फर्म ए कोई है जो कि सेल कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। उसके बाद यहां पे देखिए एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो क्या कह रही है, परचेज फ्रॉम फर्म बी। फिर ये कह रहा है परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, यानी कहने का मतलब ये कि एक तरफ तो एक बार एक सेल दे दी 100, दूसरी बार ये कह रहा है कि फर्म बी है जो कि फर्म ए से परचेज कर रहा है 60 की। तो अगर फर्म बी जब ए से सामान परचेज कर रहा है, तो ए कहेगा कि मेरी परचेज हो रही है और ए कहेगा कि मेरी सेल हो रही है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहां पे दो सेल दे दी है, एक बार तो ये एक अम्ब्रेला सेल कह रही है, एक टोटल सेल बता रही है, और दूसरी तरफ ये सेल एक्सक्लूसिव बता रही है जो कि ए बी को कर रहा है। तो क्योंकि यहां पर यह जो सेल है, सेल बाई फर्म ए, ये एक ऐसी चीज है जो कि ओवरऑल सेल की बात कर रहा है, जो बता रहा है कि टोटल सेल कितना किया है फर्म ए ने, तो ऐसे केस में हमको इस सेल की लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम टोटल सेल पे बात करेंगे। यानी सेल बाई ए, हम लिख लेंगे सेल बाई ए प्लस, अब देखिए प्लस की अगर हम बात करें तो उसके बाद हमको यहां पे परचेज का डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अब हम देखना पड़ेगा कि ए किससे परचेज कर रहा है। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए, यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्म बी ए इज परचेजिंग सम गुड फ्रॉम फर्म बी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे जब परचेज हो रहा है तो यानी लॉस हो रहा है, हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, माइनस परचेज कर देंगे प्लस। अब देखिए प्लस में क्या करते हैं हम, इसके बाद हम करेंगे डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक मतलब क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी किसका, यहां पे हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए और ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख लें कि सेल बाय फर्म ए कितना है, यहां पे सेल बाय फर्म ए 100 है, माइनस परचेज कितना कर रहा है फर्म ए फर्म बी से, तो परचेज फ्रॉम फर्म बी फाइव फर्म ए इज इक्वल टू यहां पे कितना दिया 40, प्लस डेल्टा स्टॉक की बात करें, यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए कितना था 20 है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए कितना है 25 है। तो हम यहां क्या करेंगे, 20 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 प्लस यहां पे हो जाएगा माइनस 5, तो फाइनल फिगर क्या निकल के आ जाएगी 60 और 55, ये 55 बेसिकली निकल के आ जाएगी वैल्यू एडेड बाई फर्म ए। इसी सेम उस पर अगर हम वैल्यू एडेड बाई फर्म बी की बात करें, तो देखिए क्या होगा, वैल्यू एडेड बाई बी, वैल्यू एडेड बाई बी। अब देखिए यहां पे क्या कहता है कि सेल बाई फर्म बी 200, एक बार कह रहा है कि फर्म बी कितना सेल कर रहा है 200, फिर दूसरी बार क्या कह रहा है कि परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए, उसके बाद परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी, ठीक है। तो एक बार कह रहा है कि देखिए सेल बाई फर्म बी, यानी सेल बी कितना सेल कर रहा है 200 का सेल कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है यहां पे ये कह रहा है कि फर्म बी जो है ए को कुछ सामान बेच रहा है, क्योंकि जब ए खरीद रहा है तो किससे खरीद रहा है, बी से खरीद रहा है, यानी सेल कौन कर रहा होगा, बी कर रहा होगा। लेकिन जैसे कि अभी मैंने एक एक केस में बताया कि हम यहां पे टोटल सेल की बात करेंगे, अगर कोई एक्सक्लूसिव सेल दी है कि ये फला को सेल किया, तो हम नहीं करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि अगर हमने एक एक केस में 100 को और 40 को भी ले लिया होता, तो यहां पे क्या हो जाता, डबल काउंटिंग हो जाती है। तो हम सिर्फ एक ही बार टोटल की बात करेंगे। तो वैल्यू एडेड बाई फर्म बी क्या हो जाएगा, सेल बाई बी माइनस परचेज प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का क्या मतलब होगा, वही सेम बात, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब देखिए सेल बाय फर्म बी, फर्म बी कितना सेल कर रहा है 200 कर रहा है, माइनस परचेज। अब फर्म बी जो है किससे परचेज कर रहा है, तो परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, यानी फर्म बी क्या कर रहा है यहां पे, परचेज कर रहा है, परचेज फ्रॉम फर्म ए कितने का कर रहा है 60 का कर रहा है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कितना 35 माइनस 45, तो कितना निकल के आएगा 200 माइनस 160 जो हो जाएगा वो कितना होगा 140, और प्लस माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा 130 निकल के आ जाएगा।
तो यानी वैल्यू एडेड बाई फर्म ए कितना हो गया 55, वैल्यू एडेड बाई फर्म बी कितना हो गया 130। अब देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए अभी याद करिए कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू एडेड बाई सेक्टर वन सेक्टर टू जो कि हमारा यहाँ पे ए है और बी है उसको ऐड करके आप कहाँ पहुँचते हो, आप पहुँचते हो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे। अब यहाँ पे आप पहले निकालो GDP MP, तो GDP MP निकालने के लिए क्या करोगे, वैल्यू एडेड बाई ए प्लस वैल्यू एडेड बाई बी, वो क्या निकल के आ जाएगा 55 + 130 = 185। अब GDP MP कितना आ गया 185, यहाँ पे रख दीजिए GDP MP, और आपको निकालना क्या है GDP FC। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वेश्चन में आगे अगर कभी भी ग्रॉस वैल्यू एडेड नेट वैल्यू एडेड देता है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या नेट वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम GDP MP निकाल हमारे पास आ गया है, हमको निकालना क्या है GDP FC निकालना है, और यहाँ पे GDP MP की यहाँ पे फिर मैं क्या कर दूंगा मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट की तरफ आऊँगा तो मैं कर दूंगा -NIT, यानी कितना हो जाएगा 185 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, तो ये कितना निकल के आ गया 150। तो 155 मेरा क्या निकल के आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमको नेशनल इनकम का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड के थ्रू किस तरीके से हम पहुँचेंगे आगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, इंपोर्ट बाय फर्म ए, सेल टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए, सेल टू फर्म बी बाई फर्म ए, और सेल टू फर्म ए बाई फर्म बी, सेल टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई सी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का डिस्कशन हो गया है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड बी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम वैल्यू एडेड बाई ए पे हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फर्म ए एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, ये भी एक तरीके की सेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्ट बाई ए प्लस उसके बाद क्या होगा सेल टू हाउस होल्ड बाई ए, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें सेल टू हाउस होल्ड प्लस उसके बाद ए क्या कर रहा है सेल टू फर्म बी बाई ए, तो सेल टू बी उसके बाद क्या हो रहा है सेल टू हाउस होल्ड बाई फर्म बी और सेल टू फर्म, अच्छा इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हो रही, जैसे इम्पोर्ट कर रहा है ए, अगर इम्पोर्ट कर रहा है तो हम इसको माइनस करेंगे बिकॉज ऑफ द रीज़न, ये क्या है ये भी एक तरीके का परचेज है। ठीक है, इम्पोर्ट बाई ए, और इसमें एक और चीज़ क्या माइनस हो जाएगी, यहाँ पे फर्म ए बेसिकली कुछ परचेज भी कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है यहाँ पे देखिए क्या किया है सेल टू फर्म ए बाई फर्म बी, यानी फर्म बी सेल कर रहा है किसको कर रहा है ए को कर रहा है, तो ए के लिए क्या होगा परचेज होगा, कितना होगा 30 होगा, माइनस परचेज फ्रॉम बी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक्सपोर्ट बाई ए कितना हो जाएगा, एक्सपोर्ट बाई ए है 20 प्लस सेल टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए कितना हो जाएगा 90 प्लस सेल टू बी, अब सेल टू बी कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या है कि सेल टू फर्म बी बाई फर्म ए कितना हो जा रहा है 40 माइनस इम्पोर्ट बाई ए कितना हो जा रहा है 50 माइनस परचेज फ्रॉम बी, यानी बी से कितना परचेज किया जा रहा है, तो बेसिकली सेल टू ए बाई बी, यानी बी सेल कर रहा है ए परचेज कर रहा है, कितना कर रहा है 30 कर रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 110 और प्लस 40 इज इक्वल टू 150 और माइनस 80 इज इक्वल टू 70, यानी ये आपका 70 वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई, किसकी आ गई वैल्यू एडेड बाई ए। सिमिलर फैशन में हम निकालेंगे वैल्यू एडेड बाई बी, अब बी की बात कर लें। अच्छा एक चीज़ और छोटी सी यहाँ पे मैं कह दूँ कि देखिए जब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में मैंने
एक सेल को लिया दूसरी सेल को नहीं लिया था तो वहां पे ओवरऑल सेल बता दिया था, लेकिन यहां पे अगर आप गौर करिए तो बार बार नाम बोल रहा है कि ए किसको किसको कर रहा है, जैसे ए एक्सपोर्ट कर रहा है, फिर बोल रहा है ए हाउस होल्ड को सेल कर रहा है, फिर बोल रहा है ए बी को सेल कर रहा है, यानी यहां पे कोई टोटल सेल नहीं बोल रही है, यानी ये ब्रेक करके बांट बांट के सेल बता रहा है, अलग अलग सी सेल बता रहा है। एक सेल बता देता तो यहां पे हम एक्सपोर्ट को भी छोड़ देते, हाउस होल्ड को भी छोड़ देते, बी को भी छोड़ देते, लेकिन वो टोटल पूरी सेल नहीं बता के अलग 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 बांट बांट के बता रहा है, इसीलिए मैं बार बार अलग अलग ले रहा हूं। अब वैल्यू एडेड बाई बी की अगर मैं बात करूं कि बी बेसिकली क्या है उसका वैल्यू एडिशन का तरीका यहां पे, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सेल टू हाउस होल्ड बाई बी, यहां पे लिख ले रहा हूं सेल टू हाउस होल्ड प्लस, फिर ए से रिलेटेड एक्सपोर्ट की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, और उसके बाद बी क्या कर रहा है कि सेल टू ए बाई फर्म बी, तो सेल टू बी, तो सेल टू ए, उसके बाद क्या है सेल टू फर्म बी बाई फर्म ए। अब ए जो है फर्म बी को सेल कर रहा है, यानी ए सेल कर रहा होगा और बी क्या कर रहा होगा परचेज कर रहा होगा, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा माइनस परचेज फ्रॉम ए, ठीक है। देखिए सेल टू फर्म बी बाई फर्म ए, यानी फर्म ए सेल कर रहा है और बी परचेज कर रहा है, तो सेल टू हाउस होल्ड कितना हुआ है बी का 60 हुआ है प्लस सेल टू ए। अब यहां पे अगर हम देखें कि ए कितनी सेल कर रहा है, अरे आई मीन सेल ए को कितनी किया जा रहा है बी द्वारा, तो सेल टू फर्म ए बाई फर्म बी कितनी हो रही है, ये 30 हो रही है, और परचेज कितनी हो रही है सेल टू फर्म बी, ये कितना हो रहा है 40 हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी जी डी पी एम पी, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा वैल्यू एडेड बाई ए प्लस बी, ये क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू एडेड बाई ए 70 प्लस 50 ये निकल के आ जाएगा 120, तो जी डी पी एम पी। अब क्वेश्चन में हमें जी डी पी एम पी ही निकालना था, तो जी डी पी एम पी हमारा निकल गया 120, ठीक है। तो इससे हमारा निकल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेशनल इनकम तक नहीं पहुंचा, तो क्वेश्चन यहीं तक कह रहा है नेशनल इनकम तक पहुंचना था तो मैं क्या करता, मैं पहले डोमेस्टिक इनकम निकालता यानी एनडीपीएफसी निकालता, उसके बाद मैं एनएनपीएफसी पहुंचता, जो कि प्रोडक्ट मेथड से आगे हमको देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमने वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन किया था, उसके बाद हम जीडीपी एमपी या फिर बाकी चीजों पे जंप कर रहे थे। अगर वैल्यू एडेड ऑलरेडी दे रखी है तो ऐसी सिचुएशन में अगर क्वेश्चन एक पूछ रहा है तो हम कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए क्या दिया कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू एडेड को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहेंगे, यानी नेट वैल्यू एडेड का मतलब हुआ कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी। क्वेश्चन आपके सामने है, सेल्स है 90, क्लोजिंग स्टॉक है 25, ओपनिंग स्टॉक है 15, इनडायरेक्ट टैक्स है 10, डेप्रिसिएशन है 20, इंटरमीडिएट कॉस्ट है 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है आपका 15 और रेंट है आपका 5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जरा सा समझते हैं कि यानी हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको निकालना है एनडीपी एमपी निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो रेवेन्यू वाली चीजें हैं उसको हम ऐड कर देंगे, यानी रेवेन्यू किन चीजों से जनरेट होती है, हमारी सेल से जनरेट होती है, और उसके बाद एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है, यानी कोई भी सामान को बनाते वक्त जो रॉ मटेरियल वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को धीमे धीमे समझने की कोशिश करते हैं। यानी सेल सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर देंगे, किसके साथ कर देंगे, यहां पे हम इसको हम कर देंगे डेल्टा स्टॉक के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। डेल्टा स्टॉक के साथ मैं इसको यहां पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं डेल्टा स्टॉक के साथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ, मैंने पास पिछले जब हम प्रोडक्ट मेथड डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेल के बराबर। और सेल का यहाँ पे दोनों मतलब होता है, एक तो सेल से भी है और एक प्लस अनसोल्ड सेल से है, जिसको हम अनसोल्ड बेसिकली डेल्टा स्टॉक भी कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से भी निकालते हैं, यानी ये
वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल, सेल का मतलब दोनों, एक तो एक्चुअल सेल में जो हो गई और दूसरी जो सेल बची रह गई जिसको हम कभी फ्यूचर में कर सकते हैं उसको भी हम लेते हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे टोटल सेल यानी सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक की बात कर रहे हैं, जो कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए दिया है इंटरमीडिएट कंजप्शन और उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है कि अगर ये मार्कर को बनाना है तो इस मार्कर को बनाने में मुझे प्लास्टिक की भी जरूरत पड़ेगी, मुझे मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी, मुझको फैक्ट्री का रेंट भी पे करना होगा, फैक्ट्री में अगर मैं कोयला और पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसको भी पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कुछ यूज कर रहा हूँ तो उसको भी पे करना, यानी ये सारे इंटरमीडिएट कंजप्शन होते हैं। तो यानी ये सारे इंटरमीडिएट कंजप्शन ऐड करके कितना बता रहा है, 40 बता रहा है। अलग से एक इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दे दिया, 15 दे दिया। तो जो चीज अलग से दी रहती है मैंने बताया उसको आप नहीं लोगे, ओवरऑल फिगर्स जो होती हैं उसको आप लोगे। तो यानी यहां पे आप इसको माइनस कर दीजिए, यहां पे क्या लिख दो, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। उसके बाद आप क्या कर दोगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन, यहां पर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। तो सेल्स में कितना निकल के आ गया, सेल्स आ गई आपकी 90 प्लस डेल्टा स्टॉक का मतलब हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी 25 माइनस 15 माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, 40 है, और डेप्रिसिएशन कितना है आपका, 20 है। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 10 माइनस 40 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। 40 क्या निकल के आ गया आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आ गया। तो ये तरीका है जिसके थ्रू आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी इस तरीके की कोई भी चीज़ दी रहेगी तो उसमें आप रेवेन्यूज को ऐड कर दीजिएगा और जितने भी कंजप्शन रहते हैं उनको आप माइनस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा था कि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारी मतलब पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे टोटल सेल दिया है, डिक्रीज इन स्टॉक दिया है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब्सिडी। अब ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन शुरू में एक बात कह दे रहा था कि टोटल सेल, अब टोटल सेल की जब यहाँ पे इसने बात कर दिया और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी दे दिया है, तो मैंने अभी ये कहा कि जब भी ओवरऑल फिगर दी रहेगी तो जो सब आइटम्स होते हैं नीचे की जो बात की जा रही है उसको आप छोड़ दोगे, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर टोटल सेल 1000 है तो इसमें एक्सपोर्ट की भी बात हो रही, दैट मींस कि हम यहां पे एक्सपोर्ट को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक चीज दी है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। देखिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन क्या होता है और क्या नेशनल इनकम का ये पार्ट होता है कि नहीं होता, कि जैसे एक फार्मर है उसने 1000 केजीज ऑफ वीट का प्रोडक्शन किया है और 700 उसने मार्केट में सोल्ड किया और बचे 300 को उसने सेल्फ कंजप्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो वो 300 जो सेल्फ कंजप्शन के लिए यानी खुद के इस्तेमाल के लिए अपनी लंच और डिनर के इस्तेमाल के लिए वो जो 300 केजीज ऑफ वीट को रख रहा है उसको भी हम नेशनल इनकम का पार्ट बनाएंगे और उसको भी आउटपुट का हिस्सा हम बनाएंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब्सिडी। अब यहां पे देखिए कि यहां पे इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं बोल रहा था बल्कि जो बीच के जो रास्ते यानी इस मार्कर को बनाने के लिए जो जो खर्चे आ रहे हैं वो अलग से दे रहे हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन्होंने अलग से बता दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उन्होंने अलग से बता दिया, इनकम टैक्स हम नहीं लेते क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स है, ये बेसिकली इंडिविजुअल पे ये लगता है या कॉरपोरेशंस का, इसका नेशनल इनकम से इसको हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, और जीएसटी सब्सिडी। इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोडक्ट मैथड में बेसिकली जो हूँ सबसे पहले जीडीपी एमपी का कैलकुलेशन करता हूँ, उसमें क्या करता हूँ कि जितनी रेवेन्यूज रहती हैं उनको मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी किसको किसको ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पे टोटल सेल को ऐड करूँगा, किससे ऐड करूँगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन से, यानी मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बस प्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन से आप समझ जाइएगा। प्लस मैं क्या करूँगा, माइनस यहाँ पे देखिए डिक्रीज इन स्टॉक, डेल्टा स्टॉक में डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसकी हम वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की जो वैल्यू है यहाँ पे डिक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन स्टॉक का बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि माइनस 70 ही इसकी फिगर रहेंगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं माइनस करूँगा रॉ मटेरियल से, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से माइनस कर दूंगा। अब मैं फिगर लिखना शुरू करता हूँ, टोटल सेल कितना है, टोटल सेल है बेसिकली 1000 प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है
120 प्लस डिक्रीज इन स्टॉक है -70 माइनस रॉ मटेरियल क्या निकल के आया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकल के आया है 300 माइनस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 50। तो कितना हो गया 1000 प्लस 120 यानी 1120, इसमें माइनस कितना कर दिया गया 300 और 700, 370 और 40 420। तो कितना हो जाएगा 1120 में से मैं 420 अगर माइनस कर दूंगा तो ये आ गया 700। तो ये 700 क्या निकल के आया, GDP MP, मुझे निकालना क्या है नेट वैल्यू एडेड यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे मैं लिख दूं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यहां पे लिख दे रहा हूं GDP MP। तो GDP MP, अब देखिए यहां पे GDP MP है और यहां पे NDPFC है, यानी अगर मैं ग्रॉस से नेट की तरफ जाऊं तो क्या यहाँ पे बेसिकली कोई डेप्रिसिएशन का कोई जिक्र हो रहा है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई बातें हैं। मैं माइनस कर दे रहा हूँ डेप्रिसिएशन की जगह, मैं क्या कर दूंगा डेप्रिसिएशन की जगह मैं जीरो कर दूंगा। याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके से कोई फिगर मिसिंग होती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप ज़ीरो कर दीजिएगा। माइनस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आप आएंगे तो क्या करिएगा NIT को माइनस कर दीजिए, यानी GDP MP की वैल्यू कितनी है 700 माइनस ज़ीरो माइनस NIT का मतलब क्या हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ GST दिया हुआ है, GST आपका इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, उसकी वैल्यू है 70, सब्सिडी है 40, यानी 70 माइनस 40, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 700 माइनस 70 माइनस 40, तो 700 माइनस 110, तो 700 में से मैं 110 को माइनस कर दूँ तो ये निकल के आएगा 690। तो ये 690 क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा NDPFC मेरा निकल के आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो ये लास्ट क्वेश्चन था जिस पे मैं डिस्कशन कर रहा था। छोटा सा एक चीज़ है जो कि मैं फिर से नहीं सॉल्व करूंगा, एक माइन्यूट सी मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये हो गई कि जब मैं यहाँ पे किया तो मैंने माइनस 70 लिखा और माइनस माइनस मुझे यहाँ पे प्लस प्लस 40 लिखना चाहिए था, यानी ये फिगर बेसिकली क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगी 670, यानी 700 माइनस जीरो को हटा दीजिए, इसका कोई काम ही नहीं रह जाएगा, माइनस 70 या फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 700 माइनस 70 प्लस 40, तो दैट मींस क्या हो जाएगा 670 इसका आंसर आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का। तो ये तो था आपका हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा डिस्कशन जो कि हमने प्रोडक्ट मेथड से आपको बताया कि नेशनल इनकम को आप कैसे सॉल्व करोगे। मैं फिर से आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि नेशनल इनकम हम वीडियो नंबर 55 से कंटिन्यूसली बना रहे हैं, आप उस सारी वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और आपको पता है कि 14th मार्च तक आपका पेपर है इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का, और हम बेस्ट अपना ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शंस को हम कंप्लीट कर लें, जितने आगे तक बढ़ जाएंगे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैं बहुत डिटेल में नेशनल इनकम को डिस्कस कर रहा हूँ, ये वीडियो नंबर 69 था, 70 पे हम इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 71 में हम आ जाएंगे इनकम मेथड के कैलकुलेशन से। एक्सपेंडिचर मेथड एक बार कंप्लीट होगा तो मैं पूरी तरीके से फिर से नेशनल इनकम को बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये तो था एक छोटा सा डिस्कशन जो हम कर रहे थे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स तक और इसको सब्सक्राइब करवाइए, उनको बेल आइकन भी दबवाना मत भूलिएगा, बिकॉज आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन मींस अ लॉट, इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन फॉर अस दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।